लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का अपने अपने राज्य वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच यूपी के सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों का रविवार को सब्र का बांध टूट गया और बड़ी तादाद में मजदूर सड़क पर उतर आए। ये सभी अपने अपने घर बिहार वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिसके बाद मजदूरों ने बिहार सरकार और सीएम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सहारनपुर अंबाला हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल ये सभी प्रवासी मजदूर कई दिनों से राधा स्वामी सत्संग भवन में रुके हुए थे, लेकिन रविवार को सब्र का बांध टूटा और सड़क पर उतर आए, जिसे देखकर प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मौके पर डीआईजी उपेंद्र कुमार, एसएसपी दिनेश कुमार फोर्स के साथ पहुंचे, मजदूरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों की पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक मांग है कि या तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए या फिर उनकी वापसी के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए, वरना वो यहीं जमे रहेंगे, वापस नहीं लौटेंगे। फिलहाल सहारनपुर अंबाला हाईवे पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जिसके बाद से वहां पर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सभी अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने पर रोक लगाने को कहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रवासी मजदूरों को पैदल अवैध या असुरक्षित गाड़ियों से यात्रा करने न दिया जाए। न्यूज डेस्क।